हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे यू विल बी लर्न अबाउट सेंटेंस, फोन रिलेटेड सेंटेंस, सम शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंस है। सो फोन से रिलेटेड है, ठीक है। हम फ़ोन पे किस तरह से बात करते हैं, कौन कौन से अपन सेंटेंस यूज करते हैं हिंदी में, उनको मैं इंग्लिश में आपको बताने वाली हूँ आज। सो आई होप आपको ये सब आपको अच्छा लगेगा, कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट सेंटेंस है हेलो कौन। अपन सबसे पहले फ़ोन उठा दो तो क्या बोलते हैं, हेलो कौन, हेलो हु इज़ दिस, हेलो हु इज़ दिस। फिर अपन कौन बोल रहा है, अपन बोलते हैं कौन बोल रहा है, तो हु इज़ स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग। स्पीकिंग यानी होता है बोलना, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, फिर हम बोलते हैं कि आप कैसे हो, ठीक है। हम बोलते हैं तो आप कैसे हो, तो हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो। फिर कभी कभी बोलते हैं कि आपके क्या हाल चाल है, आपके क्या हाल चाल है, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, आपके क्या हाल चाल है। फिर वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तो बोल आई एम फाइन, आई एम फाइन, एफ आई एन ई, फाइन यानी ठीक, ठीक होना, तो आई एम फाइन। नेक्स्ट है घर में सब कैसे हैं, अपन बोलते हैं कि घर में सब कैसे हैं, हाउ इज एवरीबडी एट होम, हाउ इज एवरीबडी यानी सब, एट होम घर में सब कैसे हैं। फिर कभी कभी बोलते हैं यार आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो इट कैन नॉट हीयर यू, इट कैन नॉट हीयर यू, एच ई ए आर, हीयर यानी सुनना, तो इट कैन नॉट हीयर यू, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा क्या आप फिर से बोलेंगे, अपन बोलते हैं ना आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप दोबारा से बोलोगे, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, प्लीज़ आप दोबारा से फिर से बोलोगे, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़ आप दोबारा से बोलोगे। नेक्स्ट है आपकी आवाज़ कम आ रही है, तो योर वॉइस इज लो, योर वॉइस इज लो, एल ओ डब्ल्यू, लो यानी कम कम। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है मतलब क्लियर नहीं आ रही, तो योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, ब्रेकिंग अप, तो ब्रेकिंग अप होता है कटना, आवाज़ कटना, तो बी आर ई ए के आई एन जी, ब्रेकिंग यू पी, ब्रेकिंग अप होता है कटना, तो योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, आपकी आवाज़ कट रही है। नेक्स्ट है क्या आप थोड़ा ज़ोर से बोलोगे, मतलब क्या आप ज़ोर से बोलोगे, कुड यू स्पीक अप, कुड यू स्पीक अप, अप स्पीक अप होता है ज़ोर से बोलना, ठीक है, स्पीक अप यानी ज़ोर से बोलना, एस पी ए एस पी ई ए के यू पी, स्पीक अप यानी ज़ोर से बोलना, कुड यू स्पीक अप, क्या आप ज़ोर से बोलोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपको सुनाई दे रहा है, हम बोलते क्या आपको सुनाई दे रहा है, तो कैन यू हीयर मी, कैन यू हीयर मी, एच ई ए आर, हीयर यानी सुनना, कैन यू हीयर मी, क्या आपको सुनाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ या सुन रहा हूँ, हाँ यस आई कैन हीयर यू, यस आई कैन हीयर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ या सुन रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है फ़ोन पर रहिए, अपन बोलते हैं थोड़ी देर रहिए, फ़ोन पर रहिए, प्लीज़ फ़ोन, प्लीज़ होल्ड ऑन, अपन को कहीं जाना होता अपन बोलते हैं प्लीज़ थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, है ना, तो अपन बोलते हैं प्लीज़ होल्ड ऑन, प्लीज़ होल्ड ऑन, या फ़ोन थोड़ी देर फ़ोन पे रहना यार, प्लीज़ होल्ड ऑन, ऑन ठीक है, प्लीज़ होल्ड ऑन, फ़ोन पर रहिए। नेक्स्ट है मेरा फ़ोन बज रहा है, अपन बोलते हैं यार मेरा फ़ोन बज रहा है, तो माई फ़ोन इज़ रिंगिंग, मैं पहले भी बताया था ये सेंटेंस, माई फ़ोन इज रिंगिंग, आर आई एन जी आई एन जी, रिंगिंग यानी बजना, तो माई फ़ोन इज रिंगिंग, मेरा फ़ोन बज रहा है। नेक्स्ट है मैं बाद में फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, एल ए टी ई आर, लेटर यानी बाद में, और एक होता है एल ए डबल टी ई आर, लेटर यानी पत्र, और एल ए टी ई आर, लेटर होता है बाद में, ठीक है, दो लेटर होते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ नेटवर्क की समस्या है या यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो हेयर इज प्रॉब्लम नेटवर्क, तो यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसको कैसे बोलो, हेयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम, हेयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होती है समस्या। नेक्स्ट है मैं आपके ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, मैं आपके ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, तो आई वाज कर रहा था, तो ये कौन से टेंस हो गया,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए अपन सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये लगता है। तो वॉज वर्ब इसकी हेल्पिंग और होती है। तो मैं आपके फ़ोन का वेट कर रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश, आई वॉज आई वर वेटिंग फॉर यू कॉल, ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू योर कॉल। फिर है यह मेरा नंबर है, अपन बोलते किसी से ये मेरा ही नंबर है, इट्स माई नंबर, इट्स माई नंबर, ये मेरा ही नंबर है। नेक्स्ट, क्या मैं आपके दो मिनट, क्या मैं आपसे दो मिनट बात कर सकता हूँ, अपन बोलते किसी को, तो इसका क्या हो जाएगा, कैन आई स्पीक टू फॉर टू मिनट्स, कैन आई स्पीक टू फॉर टू मिनट्स, कैन यानी सकना, कोई काम करना सकना, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या मैं आपसे टू मिनट बात कर सकता हूँ या फाइव मिनट बात कर सकता हूँ, तो आई स्पीक टू यू फॉर टू मिनट्स, स्पीक मतलब करना, बात करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा अपना, ठीक है अब फ़ोन रखता हूँ, अपन बोलते हैं ठीक है यार भाई अब मैं फ़ोन रखता हूँ, ओके आई हैंग अप द फोन नाउ, आई हैंग अप द फोन नाउ, तो एच ए एन जी हैंग, हैंग होता है रखना, ठीक है, हैंग अप फोन रखना, ठीक है, हैंग अप होता है रखना, एच ए एन जी हैंग अप यानी रखना, तो ओके आई हैंग अप, क्या तो इसका क्या हो जाएगा, ओके आई हैंग अप द फोन नाउ, ठीक है अब मैं फ़ोन रखता हूँ। नेक्स्ट है मुझे लगता है कि आपका फ़ोन आ रहा है, अपन बोलते हैं यार मुझे लगता है तेरा फ़ोन आ रहा है, आई थिंक योर फोन इज़ रिंगिंग, आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक यानी लगना होता है, यस या सोचना भी होता है, थिंक यानी सोचना और लगना दोनों मीनिंग होता है, तो आई थिंक मुझे लगता है योर फोन, तुम्हारा फ़ोन इज़ रिंगिंग यानी बज रहा है या फ़ोन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, हम बोलते हैं यार तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, तो वाई आर यू नॉट पिकिंग द फ़ोन, वाई आर यू नॉट पिक, अपन बोलते हैं पिक करो, प्लीज़ पिक, प्लीज़ पिक करो मेरा फ़ोन, पिक करो फ़ोन, पिक करो, तो पिकिंग हो जाएगा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, तो ये कंटिन्यू टेंस है तो इसलिए आई एन जी लगे, तो ये होगा पिकिंग, तो वाई आर नो, वाई आर यू नॉट, ठीक है ये हो जाएगा, तो वाई आर यू नॉट पिकिंग द फ़ोन, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, माई फ़ोन इज स्विच्ड ऑफ, माई फ़ोन इज स्विच्ड ऑफ, तो स्विच्ड ऑफ की स्पेलिंग क्या है, एस डब्ल्यू आई टी सी एच ई डी ओ डबल एफ, स्विच्ड ऑफ यानी ऑफ होना, ठीक है, तो माई फ़ोन इज स्विच्ड ऑफ, माई फ़ोन, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। फिर नेक्स्ट है आपको किससे बात करनी है, अपन बोलते हैं कि किससे बात करनी है आपको, ठीक है, तो हु वुड यू लाइक टू स्पीक, हु वुड यू लाइक टू स्पीक, आपको किससे बात करनी है, ठीक है। फिर अपन कभी कभी बोलते हैं यार गलत नंबर है, गलत नंबर है, तो इट्स रॉन्ग नंबर, इट्स रॉन्ग नंबर, ये गलत नंबर है। फिर नेक्स्ट है कि मैं फ़ोन काट रहा हूँ यार, अब मैं फ़ोन काट रहा हूँ, तो आई एम हैंगिंग अप द फ़ोन, हैंगिंग अप होता है फ़ोन काटना, ठीक है, काटना, तो हैंगिंग अप द फ़ोन, मैं फ़ोन काट रहा हूँ। फिर बोलते हैं कभी देख, दूसरा सेंटेंस है कि आगे से मुझे फ़ोन मत करना, अपन बोलते हैं आगे से मुझे फ़ोन, हम कभी कभी गुस्से में बोलते हैं मुझे आज के बाद फ़ोन मत करना, या आगे से मुझे फ़ोन मत करना, तो डोंट कॉल मी अगेन, डोंट कॉल मी अगेन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डोंट कॉल मी अगेन, मुझे दोबारा आगे से फ़ोन मत करना, ठीक है, तो डोंट कॉल मी अगेन, अगेन या तो दोबारा, ठीक है, ए जी ए आई एन अगेन यानी दोबारा। नेक्स्ट है फ़ोन मत रखना, अपन बोलते हैं फ़ोन मत रखना, डोंट हैंग अप, डोंट हैंग अप, एच ए एन जी हैंग अप, हैंग अप होता है मत रखना, ठीक है, तो डोंट हैंग अप। फिर नेक्स्ट है आपने जो कहा वो मुझे समझ नहीं आया, आपने जो भी कहा मुझे वो समझ नहीं आया, तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू जस्ट सैड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू जस्ट सैड, आई डिड नॉट मैं नहीं समझा, सॉरी आई डिड नॉट मैं नहीं, अंडरस्टैंड यानी होता है समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड यानी क्या होता है समझना, तो मैं नहीं समझा
वॉट यू जस्ट सेड, तुमने जो भी कहा, जस्ट सेड, सेड यानी कहना, ठीक है. तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू जस्ट सेड, मैं नहीं समझा तुमने जो भी, मतलब जो आपने जो कहा वो मैं नहीं समझा, ठीक है. नेक्स्ट है, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है. अपन बोलते हैं मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, तो बैटरी ऑफ माई फ़ोन इज़ डेड. बैटरी ऑफ माई फ़ोन इज़ डेड, डेड यानी ख़त्म होना, DEAD, डेड यानी ख़त्म होना. बैटरी ऑफ माई फ़ोन इज़ डेड, डेड यानी ख़त्म होना. फिर नेक्स्ट हो जाएगा, माफ़ करना गलती से फ़ोन कट गया. कभी कभी फ़ोन कट जाता है गलती से, अपन बोलते हैं यार माफ़ करना यार गलती से फ़ोन कट गया, तो अपन बोलेंगे आई एम सॉरी आई कट ऑफ द फ़ोन बाई मिस्टेक, ठीक है. आई एम सॉरी, माफ़ करना, गलती से फ़ोन कट गया. आई कट ऑफ द फ़ोन बाई मिस्टेक, मतलब बाई मिस्टेक होता है गलती से. फिर हम बोलते हैं कि यार अब मोबाइल बंद कर दो, बहुत हो गया, मोबाइल बंद करो आप. तो मोबाइल बंद कर दो, अब मोबाइल बंद कर दो. टर्न ऑफ़ योर फ़ोन, टर्न ऑफ़, TURN, टर्न, OFF, टर्न ऑफ होता है बंद करना, ठीक है. तो टर्न ऑफ योर फ़ोन, टर्न ऑफ योर फ़ोन, फ़ोन बंद कर दो. फिर नेक्स्ट सेंटेंस होएगा अपना, कृपया आपका फ़ोन चालू रखो. अपन बोलते हैं यार कि फ़ोन चालू रखना, तो प्लीज़ टर्न ऑन योर फ़ोन. टर्न ऑफ तो बंद करना हो गया, टर्न ऑन हो गया चालू रखना, तो TURNON, टर्न ऑन फ़ोन चालू रखना, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ टर्न ऑफ योर फ़ोन. नेक्स्ट हो जाएगा अपना, फ़ोन नीचे रखो. अपन बोलते हैं नीचे रखो फ़ोन को, पुट योर फ़ोन डाउन, पुट योर फ़ोन डाउन, डाउन यानी नीचे, ठीक है. फिर नेक्स्ट है, कभी कभी हम बोलते हैं कि घर पहुंचने के बाद कॉल करना, मतलब तुम घर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना. तो कॉल मी आफ्टर रीचिंग होम, कॉल मी आफ्टर रिच यानी पहुंचना, RECH, तो रीचिंग होम, जब तुम घर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना, ठीक है. कभी कभी हम बोलते हैं कि यार ज़ोर से बोलो, थोड़ा ज़ोर से बोलो, आवाज़ नहीं आई, तो थोड़ा ज़ोर से बोलो, तो प्लीज़ स्पीक लाउडली, प्लीज़ स्पीक लाउडली, क्या, तो ज़ोर से बोलने के लिए क्या बोलते हैं, प्लीज़ स्पीक लाउडली, थोड़ा ज़ोर से बोलो, ठीक है. नेक्स्ट है, अपन बोलते हैं कि कब तक आओगे या कब तक आएंगे, फ़ोन पे बोलते, तो व्हेन वी विल बैक, व्हेन वी विल बैक, कब तक आओगे. तो बोलते मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी, ठीक है. फिर बोलता है, कभी कभी हम ये भी बोलते हैं फ़ोन पे कि मैं नहीं जानता तुम कौन बोल रहे हो, ठीक है, तो आई डोंट नो. या फिर बोलते कि मैं जानता हूँ, आई नो, आई नो होता है मैं जानना, मतलब मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो. फिर अब हम बात करते रहते हैं, बीच में फ़ोन कट जाता है, अल्लाह, जैसे कभी कभी नेटवर्क चल जाता है. अपन बोलते हैं कि लाइन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं कॉल दोबारा करता हूँ, कॉल काट के करता हूँ, ठीक है. तो लाइन बहुत ख़राब है, मैं कॉल काट कर करता हूँ. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लाइन बहुत ख़राब है काट के करता हूँ, ठीक है. तो क्या है कि लाइन बहुत ख़राब है, मैं काट कर कॉल करता हूँ. तो इट्स अ वेरी बैड लाइन, इट्स अ वेरी बैड, BAD, बैड यानी ख़राब होना, ठीक है. तो इट्स अ वेरी बैड लाइन, आई विल हैंग अप एंड कॉल अगेन. हम बोलते हैं कि यार उसने मेरा फ़ोन ही काट दिया, तो ही हैंग अप ऑन मी, ठीक है. कभी कभी लाइन कहीं दूसरी जगह लग जाती है, तो अपन बोलते हैं शायद लाइन कहीं और जुड़ गई, लाइन जो मतलब नेटवर्क, कहीं दूसरी जगह फ़ोन मिल जाता है, तो शायद लाइन कहीं और जुड़ रही है. तो देयर मे बी अ क्रॉस कनेक्शन, ठीक है. लगता आपने गलत नंबर लगाया है, अपन बोलते हैं लगता आपने गलत नंबर लगाया, वहाँ पे कॉल लगने के बाद अपने से बोलते ना, लगता आपने गलत नंबर लगाया. आई थिंक यू हैव गॉट द रोंग नंबर. नेक्स्ट है, माफ़ कीजिएगा गलत नंबर लग गया. अपन बोलते हैं माफ़ करो यार गलत नंबर लग गया, ठीक है. तो इसके लिए कैसे बोलेंगे, आई विल गॉट द रोंग नंबर. कभी कभी बोलते हैं यार मैंने तुम्हें 2 बार 10 बार फ़ोन कर दिया, पर तुम्हारा फ़ोन वेस्ट हो रहा है ना. तो आई रैंग यू अप ट्वाइस या थ्री टाइम, कितने भी टाइम जितनी बार तुमने फ़ोन किया, बट योर फ़ोन वाज द इंगेज्ड, होता है वेस्ट चलना, ठीक है.
नेक्स्ट है, मैंने फ़ोन किया पर तुमने उठाया ही नहीं। ये मैंने अभी बताया, पहले भी बताया था इसका। इसका क्या हो जाएगा, आई रिंग यू अप बट यू डिड नॉट पिक माई फ़ोन। नेक्स्ट है, माफ़ कीजिएगा मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है। अपन बोलते हैं कि माफ़ करना मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है। एक्सक्यूज़ मी आई एम टू मेक एन अर्जेंट कॉल। आई एम मैक टू एन अर्जेंट कॉल। अर्जेंट कॉल होता है ज़रूरी फ़ोन। एक्सक्यूज़ मी आई एम मैक टू एन अर्जेंट कॉल। थैंक यू फ्रेंड।